दोस्तों, दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र नदी के किनारे पर कनकावती नाम की एक नगरी थी। वहां पर रामदास नाम के एक भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त रहते थे। वे जाति के चरमकार थे और उनकी पत्नी का नाम था मूली। दोस्तों, उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और उनके एक बालक था जो बहुत ही सुशील था। वे पति पत्नी दोनों मिलकर के जूते बनाने का काम करते थे और उसी से जो भी उन्हें पारिश्रमिक मिलता था उसी से वे अपने घर की गृहस्थी चलाते थे। दोस्तों, रामदास उन्हें बाजार में जाकर के बेच आते और इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तीन प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बच जाते थे वे दोनों लोग अतिथि और उनके द्वार पर आए हुए लोगों की सेवा में लगाते थे। उनको कोई न ज्ञान था न कोई जानकारी थी, बस केवल ईश्वर की भक्ति थी और लोगों की सेवा करने की उनकी एक अलग उनके अंदर एक जज्बा था। दोस्तों, बस उनको केवल इतना ही ज्ञान था कि भगवान का जहाँ सत्संग हो वहाँ पर वह पहुँच जाते और जो भी सत्संग में जब भगवान के नाम की बातें होने लगती तो वही वह आनंद विभोर हो जाते और उसी में वह मस्त होकर के नाचने लगते। जब लोग देखते तो वे देखते ही रह जाते। उन पर कई लोग हंसते भी, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल वे भगवान की धुन में मस्त होकर के नाचने लगते। उन्होंने अपने जीवन में बस इतना ही सीखा था कि हे हरि, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, यही कहते और इसी धुन में मस्त होकर के वे नाचने लगते। उन्होंने अपने जीवन में धन को बटोरना सीखा ही नहीं था। संग्रह करना इन भक्त दंपत्ति ने कभी भी नहीं सीखा था। उनकी कमाई केवल इतनी ही थी कि उनके परिवार का पेट भर जाए और भगवान की भक्ति हो जाए। जहां भी सत्संग होता वे पति पत्नी दोनों सत्संग में चले जाते और भगवान नाम की चर्चा में बड़े आनंद से बैठते। उनके मन को बड़ी शांति होती। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान का नाम लिया करते थे। कहीं कथा या कीर्तन पास में पड़ोस में जब समाचार मिलता कि वहां पर कथा हो रही है तो बिना वहां पर पहुंचे उनके मन को चैन नहीं मिलता था। उन्होंने कीर्तन में सुना था कि हरि मैं जैसे तैसे तेरा हूं, बस यही ध्वनि उनके हृदय में बस गई। इसे बार बार वे गाते रहते और उसी में गाते गाते वे प्रेम में मस्त हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास कहकर और दास समझकर वे सदा आनंदमय रहते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति भी मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा कि मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। यही सोच करके वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देखकर कहने लगा कि देखो, तुम्हारे औजार घिसने के लिए मैं कितना सुंदर पत्थर लेकर के आया हूं। मुझे इसके बदले बस तुम्हें केवल एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। रामदास उस समय अपनी धुन में मस्त थे। भगवान का भजन करने में वे अपनी सारी ऊर्जा को लगाए हुए थे। उन्हें बाहरी कोई ज्ञान ही नहीं था। ग्राहक आया या देखा और अभ्यास के कारण बस एक जोड़ी जूता उठा करके उस ग्राहक के सामने रख दिया। चोर ने जूता उठाया, उसको पहना और बिना मूल्य मांगे और बिना मूल्य दिए ही वह चोर वहां से चला गया। रामदास को भगवान की भक्ति में कुछ याद ही नहीं रहा कि इससे मूल्य को मांगना चाहिए, उसे याद ही नहीं आया। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर में पहुंच गए। रामदास अब उन पर औजार घिसने लगा। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण उधर से निकले। उन्होंने देखा कि यह चर्मकार दोनों पैरों के बीच में शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबा कर उस पर अपने औजार को घिस रहा है। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो इस दृश्य को देख करके उसे बड़ा दुख हुआ। उसने आकर के रामदास जी से कहा कि भाई, मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूं। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत पसंद है और बड़ा ही सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले तुम कुछ मुद्राएं ले लो, जो भी 10-5 रुपये तुम्हारी इच्छा हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर रामदास ने कहा कि पंडित जी, यह पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, पर आप इसको यदि नहीं पाएंगे तो आपका मन दुखी होगा और मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो जाएं। इसलिए आप इसे ले जाइए, मुझे इसका कोई भी मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से मैं जो भी परिश्रम करता हूं उस परिश्रम से मुझे उतना धन मिल जाता है कि
कि मेरे पुत्र और मेरी स्त्री का पेट भर जाता है और मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ जिससे मेरी गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे। प्रभु ने मुझे जो भी दिया है मेरे लिए वह सब पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे घर आए और उन्होंने स्नान किया, बड़ी ही विधिवत भगवान को सिंहासन पर बिठा करके पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया, वेद मंत्रों से पाठ किया और षोडशोपचार विधि से पूजन किया भगवान का। इस प्रकार से वे नित्य पूजा करने लगे। वे पंडित जी बड़े विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे हुए थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास जी अशिक्षित थे, उनको कुछ भी पता नहीं था, पर उनका हृदय बड़ा पवित्र था। उनमें ना तो भोग वासना थी और ना ही जरा सा भी लोभ था। वह रूखी सूखी खा करके अपने जीवन में संतुष्ट होते थे और दूसरों की मदद करना, सेवा करना, यह अपना वह धर्म समझते थे। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेते रहते थे। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उनके घर में गए थे। जब वह भगवान का भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर अपने औजार को घिसने के लिए जल छिड़कता था, तब भगवान को लगता था कि कोई भक्त पुरुष सूक्त से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर रगड़कर रखकर चमड़े को काटता तो भाव में भगवान को लगता कि उनके अंगों पर चंदन और कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वह शालिग्राम जी है, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, बस इतना पता था कि भगवान का भजन करना है और भगवान के भजन से ही मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मान करके स्वीकार कर लेते थे। दोस्तों, इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर थे भगवान के सेवक नहीं, वह धन संपत्ति के दास थे और रामदास जी भगवान के दास थे। ये धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को यह कैसे रचता, तू तो निस्वार्थ भक्ति के बस में है। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि पंडित जी तुम्हारी यह आडंबरपूर्ण पूजा मुझे जरा भी नहीं सुहाती, मैं तो रामदास चर्मकार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती, इसलिए तुम्हें धन और भी मिलेगा, पर मुझे तुम उस रामदास चर्मकार के घर में प्रातः होते ही पहुंचा दो, क्योंकि जैसी उसकी भक्ति है, जैसा उसका हृदय पवित्र है, ना तो तुम्हारी वैसी भक्ति है और ना ही तुम्हारे हृदय में उतनी पवित्रता है। भगवान की आज्ञा को पाकर के ब्राह्मण डर गया। दूसरे दिन सवेरे ही स्नान किया और शालिग्राम जी को लेकर के वह रामदास के घर पहुंच गया। उसने कहा, रामदास जी तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, भगवान को तुमने बस में कर लिया है। ये भगवान शालिग्राम जी हैं, अब तुम इनकी पूजा करना, मैं तो पापी हूँ इसीलिए मेरी पूजा को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, इन्हें मेरी पूजा रास नहीं आई, तुम्हारी पूजा इनको बड़ी ही पसंद है, जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो चुके हो। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। वे सोचने लगे, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ, न मुझ में सोच है, न सदाचार है, रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है, मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की, प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो, भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर दिया उन्होंने, अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर केवल कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गाना गाते, कभी नाचने लगते और कभी उदास होकर के गुमसुम बैठे रहते। भगवान की दर्शन की इच्छा से कातुर कंठ से पुकार करते, दयाधम, जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ करो, नाथ मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की व्यथित पुकार को सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर करके उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गिड़ गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे, भगवान का दर्शन हो, ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो, बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और कदाचित वे भगवान का तब दर्शन पाते हैं। रामदास का विश्वास डिगने वाला कहाँ था? रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था।
वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, मेरे पाप एवं निष्ठा की ओर देख करके तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे वे स्वामी हैं, दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे, अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास को देख करके वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा कि रामदास, यह ठीक है कि जाति तो नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास ने भगवान का दर्शन किया और वह दर्शन करके कृतार्थ हो गया और इसके बाद में उसकी संसार में पूजा होने लगी। दोस्तों, रामदास जैसे भक्त जिसके लिए भगवान को भी आना पड़ा, व्यक्ति के अंदर यदि भगवान के लिए सच्चा प्रेम है तो भगवान को भी आना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।